राम राम, जय श्री राम, जय माता दी। इस लाइव कवरेज को जितने भी हमारे रियासी के और पूरे समस्त हमारा जो सनातन समाज है, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो ये लाइव देख रहे हैं, हम आपको एक विशेष सूचना देना जो चाहते हैं। इसी के मकसद से आज हम सभी यहाँ सनातन धर्म सभा रियासी में एकत्रित हुए हैं, जिसमें मेरे साथ शामिल मुख्य रूप से हमारे जो नए यहाँ के सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष श्रीमान बृजमोहन शर्मा जी, और उनके साथ उनके साथ बैठे हमारे विक्रांत मिंगी जी, जो कि संघ के स्वयंसेवक होने के नाते और साथ में नव नियुक्त ये भी सनातन धर्म सभा के सदस्य हैं, और मेरी दाई और हमारे विकास जी, विकास बड़ू जी, ये भी धर्म सभा रियासी के सदस्य हैं, और मेरे पीछे सुशांत दुबे जी, ये भी सनातन धर्म सभा के सदस्य के रूप में इस बैठक और प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं, और साथ ही हमारा जो सहयोग के लिए हमारे श्री भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। पहले तो आप सभी भक्तजनों को, समस्त समाज को पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन नवरात्रों पर जिस प्रकार हमारे पूरे नगर में, शहर में और विभिन्न इलाकों में, पूरे जिले समेत हर जगह रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। रामलीला, जैसे आप सबको पता है कि रात्रि के समय होती हैं, तो सभी लोगों की व्यस्तता जो है 12-1 बजे तक जो है कि घर से बाहर उनका समय बीतता है। ऐसे वक्त में जब हमारे इतने पावन नवरात्रे चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे सभी मुख्य मंदिरों में पूजा अर्चना और लोगों का जो ज्यादा आना जाना, एकत्रित होना इन दिनों में रहता है, उसके बीच में हमें ये एक सूचना मिलती है। कल रात, जो पिछली रात की एक घटना घटित होती है हमारे रियासी कस्बे में, और बिल्कुल सेंट्रल प्लेस में, एक वार्ड नंबर 1 वार्ड और नंबर 2 वार्ड के दरमियान में, जहां पर पता चलता है रात को 2:05 के समय के अनुसार गो तस्कर, जो गो तस्कर कहना बिल्कुल ये जायज रहेगा कि ये पिछले कुछ सालों से, महीनों से बड़े ही ज्यादा हमारे रियासी नगर में सक्रिय हुए हैं। काफी बार इन्होंने लोगों के माल मवेशी, खासकर हमारी गो माता को इन्होंने वहां से स्मगलिंग और किडनैपिंग की है। पुलिस ने इसकी पहले भी जांच जो कर रखी थी, उसमें ये तथ्य पाए गए कि कुछ बाहरी लोग गाड़ियों में जहां आते हैं, जो आवारा पशु हमारे जितने भी हमारे घास अपने गाय हैं और अपने जो नंदी हैं, उनको ये स्मगल करते हैं, गाड़ियों में भर के ले जाते हैं। लेकिन जो पिछली रात, कल रात की जो घटना घटी है, ये चश्मदीदों के अनुसार देखा गया कि 7 से 8 लोग और 2 गाड़ियां थी, जिसमें मुख्य रूप से जो जिसको वाहन किया जाता है अपना 4 टायर वाला जो ऑटो रहता है, लोड कैरियर, तो उसमें एक गाय को जबरन ये लोग पकड़ते हैं एकदम से मुख्य चौराहा, जो वार्ड नंबर 1 और 2 के दरमियान पड़ता है, नियर अबाउट आकाश गारमेंट के पास। वहां से ये गाय को जबरदस्ती रस्सियों से बांधकर 7 से 8 लोग गाड़ी में डालते हैं। जो वहां पे चश्मदीद हमारे कुछ युवा थे, उन्होंने जैसे ही इसकी जानकारी मिली, देखा तो वो उन्होंने इसका रोकने का प्रयास किया, देखते ही देखते उन्होंने वहां से जैसे ही एक पशु जो लाद लिया था, भागने की कोशिश की और कुछ दूरी पे जाके दूसरा जो गाय थी वहां पे, उसको भी उठाने की उन्होंने चेष्टा की। लेकिन समय रहते जो हमारे वहां पे युवा थे, उन्होंने अपने प्रयासों से उनका वो प्रयास विफल कर दिया और उनको वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से जो एक हमारी गाय माता थी, ये साथ लेकर चले गए। जो वहां में मुझे जब फोन आता है तकरीबन 2:20 पर, मेरे बिल्कुल घर के पास की ये घटना थी, मैं भी बाहर जाता हूँ, देखता हूँ पूरे अपने मोहल्ले के लोग एकत्रित हुए हैं, तो बातचीत में पता चला कि इस प्रकार से गाड़ी आई, इस तरह से वो गाय को जाकर ले गए हैं, और मिली जानकारी के अनुसार उनमें आपस में थोड़ी सी कहासुनी और हाथापाई भी हुई है।
लेकिन जो हमारे युवा थे वो कम एज के लड़के थे, कुछ अपने स्टूडेंट थे, और वो उनको ये लगा कि इनके पास कोई शार्प वेपन या हथियार भी हो सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने हमला करने की कोशिश की। बड़ा ही दुखद ये एक विषय है हमारे लिए कि हमारे रियासी जैसे नगर में, जहां पर इतनी धूमधाम से अभी हमारे त्योहार चल रहे हैं, फेस्टिवल चल रहे हैं, और इस दौरान कोई यहाँ पर गो तस्करी और शहर के बीचों बीच कर रहा है। उसी समय पुलिस को भी वहां पे बुलाया गया था। कल SHO साहब विजय जी वहां पे मौके पे मौजूद थे। उन्होंने भी अपने 3 से 4 गाड़ियों का काफिला पूरे हर जगह नाकाबंदी की पीछे लगाए, लेकिन कहीं गाड़ी का पता नहीं चला है। कुछ CCTV कैमरेज की जो फुटेज है उसमें सामने आए हैं कुछ विजुअल, जिसमें वो ऑटो वाला भागता नजर आ रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, जो आखिरी समय हमारी पुलिस से बात हुई थी, वो उनका ये बताना था कि इस विषय पे अभी हमारा कार्य चल रहा है, जैसे हमें पुख्ता कोई जानकारी मिलती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपना जो पुलिस विभाग है इनको ये बताना चाहता हूं कि इस समय से लेकर आगे वाला पूरा 1 महीना हमारे सनातनियों के जो प्रमुख पवित्र हमारे त्योहार हैं, और इसके बीच में ऐसी घटना होना एक बड़ा ही शर्मनाक वाक्या है। क्योंकि हमारा जो जिला है इस समय पूरे भारतवर्ष की पूरी जो श्रद्धालु हैं उनका आगमन हमारे रियासी जिले में रहता है। खास तौर पर बात करें तो माता वैष्णो देवी जी की, कटरा आधार शिविर में लोग कितने ठहरते हैं, आगामी जो कार्यक्रम जो 24 तारीख का श्रीमान नरेंद्र धरिंद्र शास्त्री जी, जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, हमारे पौनी पावनपुरी पौनी में उनका आगमन है, तो इन सब के बीच में ऐसा कृत्य होना बड़ा ही दुखद और शर्मनाक है। हम आप पत्रकारों के माध्यम से लोगों को भी ये एक बताना चाहते हैं कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है, ऐसा कोई कार्य करते हुए दिखता है अपने CCTV कैमरे, वो चेक कर लें, और पुलिस का नंबर उनके पास हो तो उनको शेयर करें, हमें बताएं, यही हम अपील करना चाहते हैं। और दोबारा ऐसी घटना जो है हमारे शहर में ना बरते, इसके लिए पुलिस भी अपनी बखूबी जिम्मेवारी लगाए, नाके लगाए, रात को गश्त थोड़ी सी बढ़ाए। आगे वो इसकी जो जो गिरोह के बारे में है वो मैं आपको इस समय ऐसे खुले में नहीं बता सकता नाम, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी का जो मामला हो वो भी उनसे ही जुड़ा हो, लेकिन वो पकड़े जरूर गए थे, वो ट्रेस हुए थे, उनका पूरा पता, वो गाड़ी सब जब्त की थी, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण। उस समय हमारे अपने विक्रांत मिंगी जी उस पूरे कार्य में जुड़े हुए थे, इन्हीं के द्वारा ही FIR लगाई गई थी। उसका विवरण आगे जाके आपको विक्रांत जी संक्षेप में बताएंगे, और थोड़ा हमारे सनातन धर्म सभा के जो नव नियुक्त हमारे अध्यक्ष श्रीमान ब्रिज मोहन जी, थोड़ा सा ये भी। जय श्री राम। तो जो घटना हमने सुना है, जो कल की घटना है, और बीच शहर के जेनी कई गांव है रियासी के वार्ड नंबर 1 और 2 की जो घटना है शरेआम, तो इसके लिए जो है हमें तो अफसोस भी है और दुख भी है कि इतनी नवरात्रे उधर हमारे चल रहे हैं, उधर हमारे सत्संग वगैरह चल रहे हैं, उधर जगराते चल रहे हैं, और उनके साथ मतलब उतनी जो शरारती तत्व है उनकी इतनी हिम्मत है कि वो इतने लोगों के बीच से मतलब ऐसे कर्म जो है वो कर रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहते हैं कि वो सतर्क रहे, और जो SHO साहब या पुलिस डिपार्टमेंट है वो सतर्क रहे कि कहीं ये इन दिनों में जो है माहौल जो है वो खराब ना हो। तो मैं सनातन धर्म सभा के प्रधान होने के नाते मैं ये आम लोगों से भी अपील करता हूं कि जिन्होंने भी ये माल मवेशी घर में रखे होते हैं तो वो भी अपना ध्यान जो है खुद उनके रखें, रात को अपने घर में वो बांधें, उनको आवारा ना छोड़ें, और जो मतलब बाजार में या गांव में या रोड पर जो भी CCTV कैमरे लगे हैं सभी लोगों से अपील है कि वो इनको ऑन रखें और वक्तन फक्तन उनको चेक भी करें। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को या हमें जो विश्व हिंदू परिषद या सनातन धर्म सभा के जो लोग हैं उनको सूचित करें। धन्यवाद। अभी तक क्या अपडेट मिला है पुलिस आपको कल के मामले में?
अभी तक, अभी तो जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो चल रही है, मतलब कुछ गाड़ियों को उन्होंने राउंड अप किया हुआ है, तो अभी उनका नंबर जो है वो JK02 तक ही मतलब दिखाई दिया, आगे नंबर नहीं दिखाई दिया है। ये पता चल रहा है कि गाड़ी जो है वो रियासी जिले के नंबर की नहीं है, वो गाड़ी जो है वो जम्मू के नंबर की है, तो अभी उनकी कार्रवाई जो है वो जारी है।